नमस्कार। एक पत्रकार का काम होता है सवाल करना और बेबाकी से अपनी राय रखना, और जो रिपोर्ट उसके रिपोर्टर्स लेकर आए वो भी उसे, अगर वो एंकर है, वो पत्रकार अगर एंकर भी है, तो उसे प्रस्तुत करना होता है। और अगर डिबेट कर रहा है, आज के मॉडर्न मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ज़माने में, उसे बेबाकी से सवाल पूछने पड़ते हैं और बोलना पड़ता है जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है उसके आधार पर। अगर इन हिंदू साधुओं के बजाय कोई पास्टर या कोई मौलवी मुफ्ती मर गया होता, कोई अखलाक, कोई तबरेज मर गया होता, तो क्या सोनिया एंटीनियो मायरियो, जो भी उनका नेम है, वो जो उनका असली नाम है, उनसे सवाल पूछना कि वो क्या इस तरह से चुप्पी साधे रहती? क्या कांग्रेस के लोग इस तरह से चुप्पी साधे रहते? क्या उनका यही यही उनका बिहेवियर होता, या उनकी यही प्रतिक्रिया होती अगर ऐसा अनुरव गोस्वामी ने पूछ लिया? अनुरव ने अगर ऐसा पूछ लिया तो क्या गलत पूछा? अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको सामने वाले की बात इतनी क्यों चुप गई? क्या आपका नेम एंटीनियो मारियो, वट एवर इट वॉज, जो पुराना आपका नाम है, क्या वो आपका नाम नहीं था? क्या ये सच नहीं है कि सोनिया बाद में आपने सोनिया गांधी करा है कई साल बाद, और आपकी नागरिकता जो हमारे पास पेपर्स दिख रहे हैं हमको मौजूद इंटरनेट में, वो सच्चे पेपर्स ही लग रहे हैं क्योंकि काफी पुराने हैं। तो क्या आप उसे झुकला देंगी? कई हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस वेट्रेस होती हैं, कई पिछली बार की जो फर्स्ट लेडी है उन्होंने एज अ वेट्रेस भी काम करा था, या छोटे मोटे जॉब करे थे, तो वो लोग भी अमेरिका में एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने क्या काम करा था। तो आपने अगर कोई बार डांसर का काम करा है तो आपको उस काम में बुराई बुराई क्यों लग रही है? अगर आपने कुछ बुरा नहीं करा है तो आपका काम कुछ भी रहा हो। आप राजीव गांधी की विधवा थी, आपको उसमें फक्र होना चाहिए था, तो आपको क्यों इतना चुपता है? तो ऐसा काम करा ही क्यों जिससे आपको शर्मिंदगी है? अगर मैं एक एक्ट्रेस हूं और मैं कल को मुझे किसी को बताना है कि मैं एक्ट्रेस थी, कल के वक्त पे जब मैं बुढ़ी हो जाऊं आपके बराबर, तो मैं उस बात को शर्माऊंगी? मैंने कोई गलत काम नहीं करा तो मैं क्यों शर्माऊंगी? काम हमारी पहचान है, तो आपकी पहचान आपका काम है। अगर आप बार डांसर थी तो थी, उसमें क्या है? तो आपको क्यों बुरा लग गया अगर उसने आपका असली नाम ले लिया अनुरव गोस्वामी में गोस्वामी ने? मैं कहती हूं कि भाइयों, हम अपने भाई अनुरव गोस्वामी के साथ हैं और वो हमारे लिए सही खबरें लाते हैं और सही खबर से हमें रूबरू कराते हैं और बेबाकी से अपने सवाल करते हैं। कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बेबाकी से सवाल पूछे हैं और वो बिना किसी पक्षपात के सवाल पूछते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई पार्टी सही काम कर रही है और उसकी गलतियां वो नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि वो गलत नहीं है, तो इनको लगता है वो भक्त है। अगर हम कोई देश का प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहा है, हम उसका साथ दे दें, तो कहेंगे हम भक्त हैं। तो भक्त होना तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का भक्त हुआ जाता है, अच्छी बातों का भक्त हुआ जाता है। अगर ये बात आप सोचते हैं अनुरव के बारे में, तो सोचते रहिए, क्योंकि इस देश के 80% लोगों से ऊपर उसके साथ हैं, अनुरव गोस्वामी के साथ। आई स्टैंड विद अनुरव गोस्वामी, आई सपोर्ट अनुरव गोस्वामी, सपोर्ट अनुरव गोस्वामी, स्टैंड विद अनुरव गोस्वामी। अनुरव गोस्वामी एक्सपोज्ड कांग्रेस नेक्सलाइट माइंडसेट। अनुरव गोस्वामी एक्सपोजेस सोनिया गांधी, सोनिया फेक गांधी। ये हैशटैग लगा के वायरल कीजिए, पता चल जाए इनके खेमे को कि एक निडर पत्रकार पे अटैक करने का क्या नतीजा होता है। दिखा दीजिए इस कांग्रेस को, इन गद्दारों को, ये जितने मुसलमानों के अपीजर और ईसाई मिशनरियों के अपीजर जो हैं, इनको बता दीजिए कि देश के जब लोग जो सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कोई भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता। अगर अनुरव को आज भी आती है, तो फिर
ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और ये क्यों बाहर घूम रही है सोनिया गांधी? इसने तो बड़ा घोटाला कर रखा है, इसका वो क्यों घूम रहा है, इसका दामाद? उसने तो हरियाणा में इतनी जमीन हड़प रखी है, चंद चंद लाख रुपए उसके पास थे, आज वो अरबपति हो गया है। वो दो कौड़ी का आदमी दूसरे की चीजें चोर चोर के। और वो प्रियंका गांधी, क्या उसने क्या कर रखा है ऐसा? इन लोगों ने आखिर देश को क्या दिया है ऐसा जो इनका इतना सम्मान हो, सोनिया गांधी का, एंटीनियो का इतना सम्मान हो कि इन्होंने एक क्या एंटीना भी बनाया है इस देश में? क्या करा है इन्होंने ऐसा? क्या सोनिया गांधी की ऐसी उपलब्धि है या राहुल गांधी की ऐसी उपलब्धि है कि उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? उस पप्पू को, उस बेवकूफ आदमी को, मंद बुद्धि को, बूढ़े बालक को, खुद की कोई काबिलियत नहीं है, खाली एक फेक सरनेम लगा के दादा का नाम फिरोज गैंडी, फिरोज के साथ गैंडी। आज तक ईरान, इराक, अफगानिस्तान में और कोई गैंडी नहीं है, एक लौते ये पैदा हुए। नेहरू इस देश में और कोई नहीं है, एक लौते नेहरू ये पैदा हुए। ठीक है, गांधी तो हमें सुनाई देता है, तो दादा दादा इनके फिरोज गैंडी खान जो भी है, वट एवर, और नाना जी इनके नेहरू। पता नहीं गांधी कैसे हो गए, अडॉप्ट एक को करा था ना मौखिक तौर पे, पूरे कुनबे को कर दिया था क्या? अनरब के साथ खड़े रहिए, अनरब गोस्वामी का फुल सपोर्ट करते हैं, और अनरब को अगर आज भी आई तो अनरब के लिए हमें साथ खड़े रहना है। और इनको बता देना है देश के गद्दारों को कि कोई व्यक्ति अगर सही बात करता है तो सही का साथ देने के लिए हम लोग खड़े हैं। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।